उपराष्ट्रपति के आगमन से पहले सड़क किनारे अस्थाई दुकानों को हटाने के बाद अब दुकानदारों को नहीं लगाने दिया जा रहा है। सड़क किनारे दुकानदारों ने किया विरोध। धनबाद आईआईटी आईएसएम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवागमन के पहले नगर निगम ने सौंदर्यीकरण के नाम पर अतिक्रमण हटाया गया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से लेकर आईएसएम गेट तक स्थायी और अस्थायी दुकानों को हटवा दिया था। दुकानदारों का कहना है कि उनसे कहा गया था कि उपराष्ट्रपति चले जाएंगे तो दुकान लगा लेना, लेकिन अब नगर निगम मनमानी कर रहा है। आज पुलिस लाइन के दुकानदारों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। श्यामल मजुमदार ने बताया कि हर साल आईएसएम का स्थापना दिवस मनाया जाता है, हम दुकानदारों के द्वारा हमेशा सहयोग किया जाता है। जिला प्रशासन और नगर निगम के आग्रह पर इस साल भी 5 दिनों के लिए सभी दुकानों को हटाया गया और जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर से दुकान लगाने पर निगम के द्वारा दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग आए हैं, हुआ ये है कि आईएसएम में ऐसे दीक्षांत समारोह जो है बराबर होते आया है, हम लोग उसमें जो है बराबर प्रशासन को सहयोग किए हैं। अब प्रशासन हम लोगों से कहा कि 4-5 दिन के लिए आप सड़क खाली कर दीजिए, एकदम साफ कर दीजिए और 4-5 दिन के बाद पुनः आप लोग लगा लीजिएगा। हम लोग इस तरह सफाई किए कि नगर निगम का आवश्यकता नहीं पड़ा। एकदम पूरा एंटायर रोड जो है हटा के फिर झाड़ू मार के साफ सुथरा करके हम लोग रखे कि हाँ माननीय उपराष्ट्रपति आ रहे हैं देश का, 4-5 दिन हम लोग ही थोड़ा तकलीफ सहेंगे। लेकिन अब 4-5 दिन बीत जाने के बाद लोग अपना अपना दुकान लगाने लगा तो उस समय बाद प्रशासन को लेके वहाँ पहुँच गए कि दुकान नहीं लगाने देंगे। माने क्योंकि साफ हो गया इसीलिए बात साफ ही रहेगा, और हजारों लोग जो इस देश में बेरोजगार है वो कहाँ जाएंगे भाई। अब यहाँ मोदी जी दिल्ली में भाषण दे सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि इस देश में 140 करोड़ का देश में इतना गरीब है, कौन किस तरह से जी रहा है खा रहा है उससे किसी को भारत सरकार चाहे झारखंड सरकार को कोई मतलब है। तो हम लोग का कहना है जब कानून नहीं था देश में उस समय लोग जो है रोजी रोटी करने में कोई कठिनाई नहीं हुआ, या जिला प्रशासन था, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन बराबर हम लोग को मदद करते आया है। अब कानून बन गया है पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण का अधिकार और विनियमन अधिनियम 2015 बनने के बाद, जबकि फुटपाथ दुकानदारों का चौतरफा विकास होना चाहिए था, उसका परिवार के जिंदगी में खुशहाली आना चाहिए था, वो आने के बजाय कानून बनने के बाद प्रशासन नगर निगम के देखरेख में ऐसा दबाव बना हुआ है कि शहर का आधा फुटपाथ दुकानदार अपना अपना दुकानदारी छोड़ के भाग चुके हैं।